हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम पढ़े थे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम दो नए मेथड्स को कवर करेंगे जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इसमें हमारा पहला मेथड रहेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जेल का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट यूजेज़ अ जेल एज अ मीडियम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम जो मीडियम यूज़ करते हैं वो जेल का होता है। तो अब हम समझ लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये आपका एक चैम्बर होता है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है आउटलाइन, वो इसका चैम्बर होता है आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इस चैम्बर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन को फिल करते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं आपके, एक होता है आपका एनोड और दूसरा होता है आपका कैथोड। तो इस तरीके से दो आपके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और सेंटर में आपका क्या होता है, प्लेट होता है जेल का। ये जो आपका प्लेट है ये आपका किसी भी टाइप के जेल का बन सकता है, जिसका एग्जांपल हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लेट होता है जिसमें हम जेल को स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जेल है, देखिए जेल का जब लेयर बनाएंगे तो वो एक पूरा फ्लैट लेयर बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर में, यानी जैसे ये ऊपर वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर में हम क्या करते हैं, वेल्स बना देते हैं। वेल्स यानी कि छोटे छोटे गड्ढे हम वहाँ पर बना देते हैं, उसी वेल्स में हम अपने सैंपल को फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर में इस तरीके से छोटे छोटे होल्स या गड्ढे बना लेते हैं जिसमें हम अपना सैंपल को अप्लाई करते हैं। आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो यहाँ पर एक पावर से जुड़े होंगे जहाँ से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। ये पूरा एक कंस्ट्रक्शन है आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के इंस्ट्रूमेंट का। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, सैंपल्स आर प्लेस्ड इन वेल्स ऑफ द जेल एंड अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक करेंट। हमने ये जो जेल का प्लेट बनाया है और इसमें जो वेल्स हैं, सैंपल वेल, उसमें हम क्या करेंगे, अपना सैंपल को रख देंगे और हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट को अप्लाई करेंगे। पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करेंट का जनरेशन होने लगेगा। उसके बाद क्या होता है, अलाउज द मॉलिक्यूल टू मूव थ्रू द मैट्रिक्स एट डिफरेंट रेट्स टूवर्ड्स दी एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो आपके जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। तो आपका ये जो जेल का मैट्रिक्स है उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करेंगे, जो सैंपल है वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग और अपने शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव करना चालू कर देगा। अब यहाँ मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, तो देखिए अगर आपके पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एनोड यानी कि हमारा पॉजिटिव आयन। तो निगेटिव चार्ज वाले किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे सैंपल के, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो आपके कहाँ मूव करेंगे, निगेटिव आयन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अपोजिट चार्जेस की तरफ मूव करना चालू करते हैं। जैसे ही यहाँ पर मूवमेंट चालू होगा तो वहाँ पर सेपरेशन होने लगेगा। और यहाँ पर जो बेसिक सेपरेशन होता है वो एक तो चार्ज के अकॉर्डिंग होता है और दूसरा साइज के अकॉर्डिंग होता है कि आपका पार्टिकल कितना बड़ा है। जैसे इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, उसमें हमने पढ़ा था शेप के बारे में, साइज के बारे में। ठीक है, तो अगर आपका पार्टिकल ज़्यादा बड़ा साइज का रहेगा तो उसको मूव होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो जितना बड़ा पार्टिकल रहेगा उसको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा मूव करने के लिए, इसलिए वो स्लो मूव करता है। और अगर आपका पार्टिकल छोटा रहेगा तो वो जल्दी से मूव करके आगे बढ़ जाएगा। ये एक तो आपका साइज के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा, दूसरा होता है शेप के अकॉर्डिंग मूवमेंट। जैसे जो सर्कुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी मूव कर लेते हैं इन कंपैरिजन विथ रेक्टेंगुलर शेप। जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है और एक सर्कुलर मॉलिक्यूल है, तो जो सर्कुलर मॉलिक्यूल है इसका मूवमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके एजेस क्या है, पूरी तरीके से स्फेरिकल है, तो ये जल्दी से वहाँ पर स्लाइड करके मूव कर लेता है। लेकिन ये जो इस टाइप के जो पार्टिकल होते हैं, इसके जो ये आपके कॉर्नर होते हैं, ठीक है, इसके वजह से इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट है वो कम होता है। तो आपका यहाँ पर जो भी सेपरेशन होगा वो साइज शेप के अकॉर्डिंग होगा और चार्जेस के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने चार्जेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट होने लगेंगे। तो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का।
अब एग्जाम्पल ऑफ जेल अगर हम देखें, ठीक है, कि हम ये जो जेल का प्लेट यहाँ पर बना रहे हैं उसमें हम किस तरह के जेल का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च का हम जनरली यूज़ कर सकते हैं जेल के तौर पे। अगार या अगारोस, इसका भी यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट होता है सेल्यूलोज एसीटेट, इसका भी यूज़ हम एज ए जेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ये जो आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल है इसे पेज भी कहा जाता है, PAGE, ठीक है, इसका भी यूज़ हम इसमें वाइडली करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जेल के जिसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और आपका ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है एस्टिमेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जब हमें मॉलिकुलर वेट पता करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए मॉलिकुलर वेट का कनेक्शन है आपके साइज से, यहाँ पर जैसे सेपरेशन होगा तो हमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज़ पता चल सकता है, क्योंकि वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट होंगे। तो हम प्रोटीन के मॉलिकुलर वेट का यहाँ पर एस्टिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को हम यहाँ प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका सेपरेशन होता है, जैसे क्रोमेटोग्राफी में आपका सेपरेशन होता था वहाँ हम प्योरिटी को चेक करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी प्रोटीन्स की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। और नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के सेपरेशन में भी इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये आपका जीन रिलेटेड एनालिसिस में काम आता है। तो ये आपका था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इसमें हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम अगर इसका डायग्राम समझें, ठीक है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं फिर हम इसका वर्किंग देख लेंगे। तो डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर दो कंटेनर होते हैं बफर के, ठीक है, दोनों कंटेनर्स में हम बफर को फिल करते हैं और इन दोनों बफर के कंटेनर में ही हम अपना एनोड और कैथोड को रख देते हैं और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उसे हम एक पावर सप्लाई से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया इलेक्ट्रोड्स का। अब उसके बाद अब क्या होता है, एक सैंपल का अलग से और सेल होता है, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये ट्यूब को हम कैसे सैंपल में डिप करते हैं या सैंपल का एप्लीकेशन यहाँ कैसे किया जाता है। तो आपका एक सैंपल का कंटेनर होता है और दो बफर के कंटेनर होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इन दोनों बफर के कंटेनर में हम कैपिलरी ट्यूब को इस तरीके से रखते हैं। ये जो रेड वाला कर्व आपको दिख रहा है ये है आपका कैपिलरी ट्यूब। ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके इनर वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब है जिसे हम इन दोनों बफर सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। इसके दोनों एंड आपके सॉल्यूशन में डिप रहेंगे और इसी के बीच में हम यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा लेते हैं जहाँ से जो भी यहाँ पर आपका सेपरेशन होगा या जो भी यहाँ पर मूवमेंट होगा उसे हम यहाँ पर से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक कंस्ट्रक्शन है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन टू बफर रिजर्वायर। दो बफर रिजर्वायर के बीच में हमने कैपिलरी ट्यूब को रखा है एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में तब क्या होगा, सेपरेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी। यहाँ पर आपका सेपरेशन होगा दो मेथड से, दो प्रिंसिपल से, एक रहेगा आपका इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, जैसे अब हम इसमें सैंपल सॉल्यूशन डालेंगे, सैंपल जब हम अप्लाई करेंगे तो जो सैंपल का मूवमेंट आपके कैपिलरी ट्यूब में होगा वो आपका इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। अब भी देखिए सैंपल को कैपिलरी ट्यूब में अप्लाई करने का दो तरीका होता है, एक तो ये होता है कि हम इस कैपिलरी ट्यूब को जैसे बफर में डिप किए हैं वैसे ही इसे हम इसमें डिप कर दें, ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन में डिप कर दें तो आपका सैंपल यहाँ से अप्लाई हो जाएगा ट्यूब में। और दूसरा मेथड होता है कि हम इस सैंपल को बफर में मिक्स कर दें तो जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो आपका सैंपल है वो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के कारण कैपिलरी ट्यूब में एंटर हो जाएगा और कैपिलरी ट्यूब में जैसे ही एंटर होगा तो आपका क्या होगा, जो भी यहाँ पर सेपरेशन है वो चार्जेस के अकॉर्डिंग होने लगेंगे। आपका ये जो कैपिलरी ट्यूब है वो अंदर से सिलिका जेल का कोटिंग होता है इसमें, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका कैपिलरी का ट्यूब है तो इसके अंदर में यहाँ पर सिलिका जेल का इस तरीके से कोटिंग होता है। सिलिका जेल आपका यहाँ पर जो प्रेजेंट रहता है वो SiOH के फॉर्म में रहता है और मेनली जब हम हायर पीएच का बफर सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है SiO- में, ठीक है,
माइनस चार्ज यहाँ पर आने लग जाता है, यहाँ पर माइनस माइनस इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा सिलिका जेल में। अब यहाँ पर क्या होता है, बफर के जो पॉजिटिव आयंस हैं, तो देखिए अभी तो हमारा ये जो कैपिलरी ट्यूब है वो बफर में डिप है, तो बफर के जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या होते हैं, इसमें इस तरीके से इंट्रैप हो जाते हैं क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव आयंस अंदर जाएंगे तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन का लेयर बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या होता है, जैसे ही फिर हम सैंपल को यहाँ अप्लाई करेंगे तो सैंपल में दोनों तरह के चार्जेस हैं वो यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल करेंगे बीच में से। तो ये आपका बेसिक अंदर से कंस्ट्रक्शन होता है कैपिलरी ट्यूब का। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, इस तरफ पे हमने क्या लगा के रखा है, कैथोड लगा के रखा है, तो आपके जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे सैंपल में वो पहले इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैथोड है, तो जो पॉजिटिव आयन का मूवमेंट है वो यहाँ पर पहले होगा या ज़्यादा होगा, उसके बाद आपके निगेटिव आयन्स मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपका जैसे जैसे आयन्स इस डिटेक्टर तक पहुँचते जाते हैं, जैसे सैंपल यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेवल किया, यहाँ पर हमने कैथोड लगाया है, तो सैंपल के जो भी पॉजिटिव आयन्स है वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे इस तरफ। तो जैसे जैसे आयन्स यहाँ पर पहुँचते जाएंगे, पहले पॉजिटिव आएगा फिर निगेटिव आएगा, तो डिटेक्टर क्या करेगा, हर एक आयन को डिटेक्ट करके हमें एक पीक देगा, उसी पीक को हम आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं कि कितने कंपोनेंट हमारे सैंपल में प्रेजेंट हैं और किस तरह के कंपोनेंट वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए बोलते हैं, तो इस तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक पेप्टाइड, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड का सेपरेशन कर सकते हैं। देखिए आप जितने भी इलेक्ट्रोफोरेसिस देख रहे होंगे उसमें हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं, प्रोटीन या अमीनो एसिड को सेपरेट कर रहे हैं, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स का यहाँ सेपरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो कम्प्लीटली बेस होता है चार्ज पे, चार्ज के बेसिस पे ही यहाँ पर सेपरेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके चार्ज मॉलिक्यूल हैं जैसे पेप्टाइड हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, डीएनए हो गया, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स का हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक एनालिसिस, तो जीन रिलेटेड एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे पीसीआर टेक्निक हो गया या फिर आपका कोई डीएनए से रिलेटेड टेक्निक हो गया, तो इस तरह के मेथड्स में मेनली हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे आज के दोनों मेथड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।